नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अजीत डोभाल भारत का एक ऐसा नाम जिसके नाम सुनते ही दुश्मन मुल्क के पसीने छूट जाते हैं। ये सुरक्षा के महानायक यानी जेम्स बॉन्ड अपने जीवन के 75 साल पूरे कर चुके हैं। 20 जनवरी 1945 को पौड़ी में जन्मे अजीत डोभाल ने 76वें साल में प्रवेश किया है। उनकी रणनीतिक महारत के चलते उन्हें देश की सुरक्षा को लेकर हर मर्ज की दवा कहा जाता है। 2014 में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। अजीत डोभाल को न्यूज वर्ल्ड इंडिया की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दुश्मन मुल्कों को लोहे के चने चबाने वाले सुरक्षा के महानायक और मौजूदा समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का 76वां जन्मदिन है। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निर्देशक रहे अजीत डोभाल इस समय देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और वह 5वें NSA हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली हुई थी। शांतिकाल के सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित डोभाल पहले पुलिस अधिकारी हैं जो पूर्वोत्तर पंजाब, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में कई आतंकरोधी ऑपरेशन में शामिल रहे। इसलिए अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। उनकी रणनीतिक महारत के कारण उन्हें हर मर्ज की दवा कहा जाता है। मोदी सरकार की हर मुश्किल को अजीत डोभाल चुटकियों में हल कर देते हैं। उनके नाम का डंका दुनिया भर में बसता है, जैसे कि उनके नाम का अजीत यानी कि जिसे जीता ना जा सके उसे परिभाषित होता है। ठीक वैसे ही डोभाल ने कभी हार मानना नहीं सीखा। अजीत डोभाल पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में 7 साल तक काम कर चुके हैं। शुरुआती दिनों में वे अंडरकवर एजेंट थे। 7 साल तक वे पाकिस्तान में सक्रिय रहे। वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक मुस्लिम की तरह रहे। इस दौरान उन्होंने कई स्थानीय लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। हालांकि एक बार एक मस्जिद में उन्हें एक शख्स ने पहचान लिया था। खुद डोभाल ने कई मौके पर यह बताया कि कैसे पाकिस्तान में उन्हें एक व्यक्ति ने पहचान लिया था। दरअसल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सभी बच्चों का कर्ण छेदन किया जाता है। इसी वजह से डोभाल के कान में छेद था और मस्जिद में एक फकीर जैसे दिखने वाले शख्स ने ये जान लिया कि वह हिंदू है। डोभाल PM मोदी के सबसे भरोसेमंद नौकरशाह माने जाते हैं। अगर बीते 5 साल में भारतीय सेना ने POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक की तो इसका श्रेय अजीत डोभाल को ही जाता है। पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले इस शख्स के नेतृत्व में ही भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। इतना ही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से रिहाई में अजीत डोभाल ने अहम भूमिका भी निभाई थी। पंजाब में आतंकवाद के दौरान ऑपरेशन के ठीक पहले अजीत डोभाल एक रिक्शे वाले का हुलिया बनाकर स्वर्ण मंदिर में अंदर दाखिल हो गए थे। वहां जाकर उन्होंने काफी जानकारी एकत्रित की थी। ये भी पता लगाया था कि स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सहयोग मिल रहा था। भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय सुरक्षा बल के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई जो उनके बहुत काम की थी, जिनकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। इस दौरान वो पाकिस्तानी जासूस बनकर खालिस्तानियों के करीब आए, उनका विश्वास जीता। इसके बाद खालिस्तानियों की तैयारियों की सारी जानकारी उन्हें पता लगने लगी, जिसे उन्होंने भारतीय एजेंसियों तक भेजा। अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के सेना स्कूल में हुई थी और बाद में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। वह 1968 बैच के केरल क्वार्टर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। अजीत डोभाल 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ जुड़ गए थे। करीब 7 साल वह पाकिस्तान में खुफिया जासूस के तौर पर रहे। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षघर लोगों के बीच उन्होंने काम किया। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और जिम्मेदारी सौंपी। अजीत डोभाल को सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले वे पहले पुलिस अधिकारी बने। चर्चाओं में रहे अजीत डोभाल। जून 2010, अजीत डोभाल के दिशा निर्देश में भारतीय सेना ने पहली बार सीमा पार म्यांमार में कार्रवाई कर उग्रवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन में करीब 30 उग्रवादी मारे गए। जून 2014, डोभाल ने ISIS के कब्जे से 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापस सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नर्स आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले इराकी शहर तिक्रित के एक अस्पताल में फंस गई थी। 1999 कंदार हाईजैक। कंदार में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरणकर्ताओं के साथ भारत के मुख्य
वार्ताकार अजीत डोभाल ही थे। डोभाल तब आईबी में स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन डोभाल के पास कश्मीर में काउंटर आतंकवाद से लड़ने का तजुर्बा था, लिहाजा सरकार ने उन्हें खासतौर पर बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। डोभाल मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में चल रहे उग्रवाद विरोधी अभियान में सक्रिय रूप से शामिल। 1968 में पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के खिलाफ खुफिया अभियान चलाने के दौरान लाल डैंग उग्रवादी समूह के 6 कमांडरों को उन्होंने भारत के पक्ष में कर लिया था। अजीत डोभाल को मिला कीर्ति चक्र। सेना में कीर्ति चक्र बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है जो सेना के बाहर के लोगों को नहीं मिलता है, मगर अजीत डोभाल अकेले पुलिस अधिकारी है जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। महज 7 साल की नौकरी के बाद ही पुलिस मेडल। सामान्यता भारतीय पुलिस में 14-15 साल की नौकरी के बाद ही पुलिस मेडल मिलता है, मगर डोभाल को मिजोरम में 7 साल की नौकरी के बाद ही पुलिस मेडल मिला था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर और डोभाल। अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि जहां दुनिया सोचना बंद कर देती है वहां भारत का जेम्स बॉन्ड सोचना शुरू करता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शोपियो में लोगों से मुलाकात करते हुए और साथ में खाना खाते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। व्हाइट हाउस का किस्सा। यह किस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का है। दोनों आमने सामने बैठे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुन रहे थे। ट्रंप के बाद पीएम मोदी को बोलना था। जैसे ही प्रधानमंत्री बोलने के लिए उठे तो उनका भाषण की कॉपी बिखर गई। सभागार की अग्रिम पंक्तियों में अधिकारियों के साथ बैठे अजीत डोभाल ने तुरंत उन कागजों को उठाया और समेट कर प्रधानमंत्री के सामने रख दिया। जब राफेल मामले में स्पष्टता के साथ सरकार अपने विचारों को रखने में सक्षम नहीं थी तो डोभाल को ही हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने इस मुद्दे पर भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय में नौकरशाही के साथ निकटता में समन्वय किया। मिशेल के प्रत्यर्पण में डोभाल ने सरकार के साथ अपने करीबी संबंधों का इस्तेमाल किया और मिशेल को प्रत्यर्पण कराया। तो आज की हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।